नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। जमानत कानून एक बार फिर सुर्खियों में, सरकार नया जमानत कानून लाने पर करे विचार, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को दिया सुझाव। प्रधानमंत्री ने किया नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का अनावरण, सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है नए संसद भवन का निर्माण, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था यह राष्ट्रीय चिन्ह। प्रतिबंधों के बीच व्यापार की राह हुई आसान, आरबीआई ने रूपी सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने का किया ऐलान, लोकल करेंसी में अब किया जा सकेगा व्यापार। रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम की हुई शुरुआत, प्राकृतिक तरीके से जंगल में लाल पांडा की आबादी बढ़ाने का है लक्ष्य, पूर्वी हिमालय और चीन का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है इनका प्रमुख आवास। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 हुई जारी, आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे और नॉर्वे तीसरे स्थान पर। महिलाओं के हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में भारत की स्थिति है सबसे खराब। हाल ही में कानून और न्याय संसदीय स्थायी समिति ने मीडिएशन बिल यानी मध्यस्थता विधेयक में बदलाव की सिफारिश की है। गौरतलब है कि समिति को सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मध्यस्थता विधेयक पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था। समिति का कहना है कि मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने से मामलों के निपटान में देरी होगी, इसके चलते अपराधियों को स्वयं को बचाने का एक अतिरिक्त मौका मिलेगा, इसलिए मुकदमे से पहले मीडिएशन को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए, अर्थात इसे केवल उन लोगों के लिए विकल्प के रूप में पेश किया जाना चाहिए जो मध्यस्थता के इच्छुक हैं। इसके अलावा इसे तत्काल लागू करने की बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। समिति ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता नियम बनाने की शक्ति के खिलाफ केंद्र को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इस बिल का क्लॉज 26 कोर्ट एनेक्स्ड मध्यस्थता का प्रावधान करता है और अदालतों को न्यायालय से जुड़ी मध्यस्थता के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। समिति ने इसे असंवैधानिक बताया है। समिति का कहना है कि खंड 26 के मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर विशिष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा समिति ने प्रस्तावित मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति के बारे में भी सिफारिश की है। समिति का कहना है कि परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के पास मध्यस्थता में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान में अनुभव प्राप्त लोगों को परिषद के सदस्य या अध्यक्ष बनाए जाने के क्रम में वरीयता मिलनी चाहिए। समिति के मुताबिक भारतीय मध्यस्थता परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए। समिति ने भारतीय मध्यस्थता परिषद के आधार पर राज्यों में भी मध्यस्थता परिषद को स्थापित करने का सुझाव दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक अलग जमानत कानून लाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार यूनाइटेड किंगडम के कानून की तर्ज पर एक विशेष कानून बनाने पर विचार करे। कोर्ट ने आगे कहा कि भारत में आजादी से पहले की सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन के साथ आज भी लगभग उसी रूप में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें सीबीआई से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान कही। दरअसल आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। देश की जेलों में अत्यधिक संख्या में विचाराधीन कैदी हैं। गौरतलब है कि भारत की जेलों में लगभग 2/3 कैदी अंडर ट्रायल है। इसी संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता कानून में निहित है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेलों में रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसका संयम से उपयोग करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि सीआरपीसी पहली बार साल 1882 में तैयार की गई थी और समय समय पर संशोधनों के साथ इसका उपयोग आज भी जारी है। सीआरपीसी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं करती है, यह केवल अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत करती है। सीआरपीसी मजिस्ट्रेट को जमानती अपराधों के लिए जमानत देने का अधिकार देता है। संज्ञेय प्रकृति के अपराध गैर जमानती अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध की स्थिति में पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है।
ऐसे मामलों में एक मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के योग्य है या नहीं। गौरतलब है कि 7 साल से कम सजा के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस देना आवश्यक है। बता दें कि यूनाइटेड किंगडम्स का जमानत कानून 1976 जमानत देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसका एक उद्देश्य कैदियों की संख्या को कम करना है। साथ ही इस कानून में प्रतिवादियों के लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के प्रावधान भी शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक बिल यानी दवा चिकित्सा उपकरण एवं प्रसाधन सामग्री विधेयक 2022 का मसौदा प्रस्तुत किया है। इसके तहत ई फार्मेसी और चिकित्सा उपकरणों का पहली बार नियमन किया जाएगा। यह विधेयक चिकित्सा उपकरणों को अलग से परिभाषित करता है। इस परिभाषा के दायरे में क्लिनिकल इक्विपमेंट यानी नैदानिक उपकरण, इसके सॉफ्टवेयर, प्रत्यारोपण, विकलांग सहायता के उपकरण, लाइफ सपोर्ट, कीटाणु शोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण आदि शामिल हैं। बता दें कि साल 1940 का अधिनियम चिकित्सा उपकरणों को दवाओं की श्रेणी के रूप में विनियमित करता है, लेकिन इसके विपरीत नए विधेयक के मसौदे में चिकित्सा उपकरणों की एक अलग परिभाषा है। प्रस्तावित विधेयक में मौजूदा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की तर्ज पर एक चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इस बोर्ड में चिकित्सा पेशेवरों के अलावा चिकित्सा उपकरणों का तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग भी शामिल होंगे। दरअसल वर्तमान में चिकित्सा उपकरणों के संबंध में निर्णय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। मसौदा विधेयक में केंद्र और राज्यों के स्तर पर औषधि प्रयोगशाला की तर्ज पर चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्रों का प्रावधान है। साथ ही इसमें एक केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है। यह प्राधिकरण चिकित्सा उपकरणों की क्लिनिकल जांच या परीक्षण करने के लिए अनुमति देगा। वर्तमान में कंपनियों को परीक्षण करने के लिए शेष औषधि नियामक से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार द्वारा प्रस्तुत मसौदे में ई फार्मेसी के संचालन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य बनाया गया है। बता दें कि प्रस्तावित विधेयक में आयुष दवाओं के लिए एक अलग अध्याय है। इसमें पहली बार सोवा, रिक्पा और होम्योपैथी को नियमित करने का प्रस्ताव रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय चिकित्सा क्षेत्र एक तेजी से बढ़ता उद्योग है। साल 2025 तक इसके $280 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं अगर भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार की बात करें तो यह दुनिया के प्रमुख 20 शीर्ष बाजारों में से एक है। भारतीय चिकित्सा उपकरण बाजार का वर्तमान मूल्य लगभग $5.2 बिलियन है, जिसकी साल 2025 तक $50 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। हाल ही में मेघालय की खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद द्वारा एक बैठक बुलाई गई। यह बैठक खासी डोमेन को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसेशन यानी विलय के साधन पर पुनर्विचार करने के लिए बुलाई गई है। इस संदर्भ में परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है, इसलिए समझौते के वाक्यांशों को समझना महत्वपूर्ण है। बता दें कि साल 1947 और 1948 के दौरान बातचीत के बाद खासी डोमेन का भारत के साथ विलय किया गया था। इस सशर्त संधि पर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 17 अगस्त 1948 को हस्ताक्षर किए थे। दरअसल पिछले साल खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक 2021 प्रस्तुत किया गया था, जिसे परिषद के कुछ नेताओं ने खासी लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के उल्लंघन के रूप में देखा। यह विधेयक खासी समुदाय में भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति के समान वितरण का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में परिषद का कहना है कि प्रावधानों को छठी अनुसूची में जोड़ा जा सकता है, जिसे संशोधित करने की शक्ति संसद के पास है। साथ ही इनका मानना है कि इन्हें नागरिक और आपराधिक मामले में पर्याप्त न्यायिक शक्तियां नहीं मिली हैं, जबकि इन्हें और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। गौरतलब है कि खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक निकाय है। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है। इसके तहत कुल 10 स्वायत्त जिला परिषद अस्तित्व में है। यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रकार छठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करती है।
बता दें कि मेघालय राज्य को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में कई मूल निवासी समुदायों का वर्चस्व है, जिनमें खासी, गारो और जयंतिया जनजातियां प्रमुख हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के शीर्ष पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। कांसे से बने इस प्रतीक का वजन 9,500 किलोग्राम है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। संसद भवन के शीर्ष पर इसे सहारा देने के लिए इसके आसपास करीब 6,500 किलोग्राम के इस्पात के एक ढांचे का निर्माण किया गया है। बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। यह इमारत त्रिकोण के आकार की होगी। इसके अंदरूनी हिस्सों में 3 राष्ट्रीय प्रतीक मुख्य रूप से होंगे, जिनमें कमल, मोर और वट वृक्ष शामिल है। गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। इसके इतिहास की बात करें तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, इसलिए यहां सम्राट अशोक ने 3rd सदी ईसा पूर्व में इस स्तंभ का निर्माण कराया। अशोक स्तंभ में मौजूद 4 चिन्हों को गर्व, आत्मविश्वास, संकल्प और शक्ति के प्रतीक के तौर पर माना गया है। इसमें मौजूद चक्र को न्याय और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह आजाद हुए नए देश की निरंतर प्रगति का भी प्रतीक है। इसके अलावा इसमें नीचे बैल, घोड़ा और हाथी भी हैं, जो भारतीय विविधता, कृषि संस्कृति और शौर्य के प्रतीक हैं। हाल ही में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में स्थित प्राचीन बुद्धिस्ट साइट के संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना की लागत लगभग 4 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि यह साइट कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के सन्नति और कंगलहल्ली गांव में भीमा नदी के तट पर स्थित है। आपको बता दें कि सन्नति और कंगलहल्ली एक गाँव है। सन्नति गांव में साल 1986 तक एक काली मंदिर मौजूद था। इस काली मंदिर की दीवार ढह जाने के कारण मलबे की सफाई के दौरान मंदिर के नीचे से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। साथ ही कंगलहल्ली गांव में किए गए उत्खनन के दौरान एक महास्तूप निकला, जिसका शिलालेखों में अधोलोक महाचैत्य के रूप में चर्चा की गई है। इसके अलावा सम्राट अशोक का पत्थर चित्र उनकी रानियों और महिला परिचारिकाओं से घिरा हुआ प्राप्त हुआ था। इस चित्रित पत्थर के निचले हिस्से में ब्राह्मी लिपि में राय अशोक लिखा था। ऐसा माना जाता है कि प्राप्त महास्तूप अपने समय का सबसे बड़ा स्तूप और पत्थर चित्र मौर्य सम्राट की एकमात्र जीवित छवि है। सर्वेक्षणकर्ताओं का मानना है कि महास्तूप को मौर्य काल से लेकर सातवाहन के संपूर्ण काल तक 3 चरणों में विकसित किया गया था, जिसकी समयावधि 3 ईसा पूर्व से लेकर 3 ईस्वी तक माना जाता है। भूकंप के कारण बाद में यह स्तूप नष्ट हो गया था। गौरतलब है कि इस स्थल के उत्खनन का कार्य ASI द्वारा साल 1994 से 2001 तक किया गया। हालांकि खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के संरक्षण के प्रयास नहीं किए थे। शुरू की गई संरक्षण योजना में खुदाई से प्राप्त महास्तूप के अवशेषों को बिना किसी अलंकरण के उनके मूल स्थान पर फिर से स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए रूपी सेटलमेंट सिस्टम स्थापित करने का ऐलान किया है। इसका मकसद संबंधित देश के साथ लोकल करेंसी में व्यापार करना, व्यापार प्रतिबंधों के असर को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान के लिए एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की स्थापना करना है। इसके अलावा भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के बढ़ते इंटरेस्ट का समर्थन करना और उसके लिए आसान रास्ता मुहैया कराना भी इसका उद्देश्य है। इसके लिए ऑथराइज्ड डीलर बैंकों को भारत में रूपी वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करना होगा। आपको बता दें कि ऑथराइज्ड डीलर बैंक वे बैंक होते हैं जो विदेशी व्यापार से जुड़े वित्तीय लेन देन के लिए अधिकृत होते हैं। साथ ही इन बैंकों को RBI के मुंबई स्थित विदेशी मुद्रा विभाग के केंद्रीय कार्यालय से अनुमति लेनी होती है। इस प्रकार भारतीय आयातक को माल या सेवाओं के मूल्यों का भुगतान संबंधित देश के वोस्ट्रो अकाउंट में जमा करना होगा। वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के खाते को संचालित करने से है। उदाहरण के लिए HSBC वोस्ट्रो अकाउंट को भारत में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। RBI के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत व्यापारिक भागीदारी देशों एवं भारत के बीच मुद्रा के विनियमन दर का निर्धारण बाजार आधारित होगा। साथ ही भारतीय व्यापारी इसके माध्यम से निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं।
आरबीआई का कहना है कि निर्यात के अग्रिम भुगतान की अनुमति देने से पहले भारतीय बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन खातों में उपलब्ध धन का उपयोग पहले से निर्यात हो चुके ऑर्डर से जुड़े भुगतान दायित्वों के लिए किया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा रूस और ईरान के साथ व्यापार करने में होगा, साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार को साधने और रुपए के मूल्य को गिरने से रोकना भी आसान होगा। हाल ही में WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया है। इसमें भारत के लिए निराशाजनक आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 0.629 स्कोर प्राप्त कर 140 देशों में 135वें स्थान पर रहा, जबकि आइसलैंड पहले, फिनलैंड दूसरे, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दें तो भारत का प्रदर्शन पड़ोसी देशों में सबसे खराब रहा, जबकि बांग्लादेश महिलाओं की बेहतर स्थिति के मामले में पड़ोसी देशों में अव्वल है। गौरतलब है कि साल 2020 में भारत का स्थान 153 देशों में 112वां, जबकि साल 2021 में 156 देशों में 140वां था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल के मामले में सबसे आखिरी पायदान यानी 140वें पायदान पर है। वही रिपोर्ट के चारों संकेतकों में भारत राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में सबसे अच्छी स्थिति में है। साथ ही रिपोर्ट का यह भी कहना है कि विश्व को लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी लगभग 132 साल लगेंगे, जबकि दक्षिण एशिया के देशों को लगभग 197 साल। आपको बता दें कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 4 आयामों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता एवं राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल है। इन आयामों के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। इंडेक्स में एक उच्चतम स्कोर होता है जो समानता की स्थिति को दिखाता है, जबकि 0 स्कोर पूर्ण असमानता की स्थिति को दर्शाता है। इसका मकसद स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के मध्य मौजूद अंतराल का आकलन करना है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले से एवरग्रीन ट्री या सदाबहार वृक्ष के एक नई प्रजाति की खोज की है। गौरतलब है कि यह वृक्ष मिलियूसा वंश से संबंधित है। असल में इस नई प्रजाति की खोज केरल के पश्चिमी घाट में स्थित अगस्तामाला बायोस्फीयर रिजर्व से की गई है। इसी कारण इसका नाम मिलियूसा अगस्तामलाना रखा गया है। इस नई प्रजाति के मिलने के बाद भारत में पाई जाने वाली मिलियूसा की कुल प्रजातियों की संख्या 25 हो गई है। गौरतलब है कि इस प्रजाति के केवल 2 ही वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में देखे गए हैं। शोधार्थियों का कहना है कि यह नई प्रजाति मिलियूसा पैथल मलियाना और मिलियूसा वाइटियाना के समान है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि मिलियूसा की यह प्रजाति अन्य सभी प्रजातियों से अलग है। इस प्रजाति के वृक्ष की खास बात यह है कि इनके छाल भूरे रंग के होते हैं और इन पर लगने वाले फूलों का कलर पीला या गुलाबी होता है। साथ ही इन वृक्षों पर अप्रैल से जुलाई के बीच फूल और फल लगते हैं। इनकी लंबाई लगभग 9 मीटर तक हो सकती है और इनकी शाखाएं झुकी हुई होती हैं। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम घाट सदाबहार वन की कई स्थानिक प्रजातियों का निवास है, जिनमें मिलियूसा वंश की 7 प्रजातियां शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने नई मिलियूसा प्रजाति को पश्चिमी घाट पर लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर देखा है। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने रेड पांडा ऑगमेंटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत जंगल में प्राकृतिक तरीके से लाल पांडा की आबादी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन लुप्त प्राय लाल पांडाओं में से 20 पांडाओं को लगभग 5 वर्षों के लिए जंगल में छोड़ेगा। गौरतलब है कि भारत में अपने तरह का यह पहला कार्यक्रम है। बता दें कि लाल पांडा एक स्तनपायी जीव है। यह मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय और चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में इसकी उपस्थिति मुख्यतः सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में है। भारत में एलुरस फोल्जेंस यानी हिमालयन रेड पांडा और एलुरस फोल्जेंस स्टैनी यानी चाइनीज रेड पांडा दोनों पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी को हिमालयन और चाइनीज रेड पांडा के विभाजक के रूप में जाना जाता है। लाल पांडा को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। वहीं IUCN की रेड सूची में इसे इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गौरतलब है कि लाल पांडा सिक्किम का राज्य पशु है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थित है। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर है। यह लाल पांडा, हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िया और पूर्वी हिमालय के अन्य लुप्त प्राय जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम के लिए अधिकृत है। यह भारत के सबसे ऊंचे चिड़ियाघरों में से एक है और इसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। इसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। यह चिड़ियाघर अपने प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि 1990 के दशक में इसके द्वारा लाल पांडा के संरक्षण के लिए एक प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था। हाल ही में वाराणसी में एक 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षकारों द्वारा उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य और NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की गई। साथ ही NEP 2020 के द्वारा निर्देशित शिक्षा सुधारों के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तौर तरीकों और विचारों को साझा किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में 300 से अधिक शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समागम में कुल 11 सत्र हुए, जिनमें से 9 सत्र विषयगत आधारित थे और 2 विशेष सत्र सफलता की कहानियों को साझा करने तथा NEP 2020 के कार्यान्वयन के सर्वोत्तम तौर तरीकों पर विचार करने पर आधारित थे। गौरतलब है कि जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. के. कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। इसी मसौदे के आधार पर साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था। इस शिक्षा नीति में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। हालांकि साल 1976 से पहले यह राज्य सूची का विषय था। पहले साल 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। गौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र तथा राज्यों में से कोई भी कानून बना सकता है। बीते दिनों यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट ने भारत के लिए चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा किया है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत के लगभग 70% जनसंख्या पौष्टिक भोजन का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं है। अगर भारत के पॉपुलेशन पैटर्न पर नजर डालें तो भारत में बच्चों की स्थिति काफी चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत बच्चों के पोषण युक्त भोजन की कमी के मामले में पड़ोसी देशों के बीच पहले नंबर पर था। वहीं चाइल्ड स्टंटिंग के मामले में भारत पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर था। गौरतलब है कि उम्र बढ़ने के साथ बच्चों की लंबाई ना बढ़ना चाइल्ड स्टंटिंग कहलाता है। इसके अलावा 5 माह से कम उम्र के बच्चों के ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में यह आंकड़ा 58% के साथ साल 2020 में संतोषजनक रहा। हालांकि अभी भी यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। वयस्कों के स्टार पर देखें तो भारत की कुल महिलाओं का लगभग 53% एनीमिया से पीड़ित है। इसके साथ भारत अपने पड़ोसी देशों के बीच सबसे खराब स्थिति में है। गौरतलब है कि भारत में एनीमिया महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया बीते समय महामारी से प्रभावित थी और इसके प्रभाव को कम करने के लिए अब उपायों की जरूरत है। भारत के मामले में कमजोर वर्गों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के साथ इसकी पहुंच बड़ा मुद्दा है। इसके लिए सख्त कानूनों को बनाने और लागू करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण प्रमुख विषय हैं और यह संगठन इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों और उनकी प्राप्ति के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, विदेशी व्यापार से जुड़े वित्तीय लेन देन के लिए अधिकृत बैंक ऑथराइज्ड डीलर कहलाते हैं। कथन दो, रुपी सेटलमेंट सिस्टम के तहत व्यापारिक भागीदार देशों एवं भारत के बीच मुद्रा के विनिमय दर का निर्धारण बाजार आधारित होगा। और कथन तीन, रुपी सेटलमेंट सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य संबंधित देश के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शंस हैं ए, 1, 2 एवं 3 सभी, बी, केवल 2, सी, केवल 1 एवं 2 या फिर डी,
केवल एक एवं तीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, अशोक स्तंभ में केवल तीन पशु उत्कीर्ण हैं। कथन दो, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर संवैधानिक रूप से 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। और कथन तीन, निर्माणाधीन नए संसद भवन पर स्थापित अशोक स्तंभ तांबा एवं टिन के मिश्रण से बना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शंस है ए, केवल दो एवं तीन, बी, केवल तीन, सी, केवल एक एवं तीन, या फिर डी, केवल एक एवं दो। अगला प्रश्न, कानागन हल्ली गांव में एक उत्खनन के दौरान बौद्ध महास्तूप प्राप्त हुआ था। दो, उत्खनन से प्राप्त बौद्ध महास्तूप को शिलालेखों में अधोलोक महाचैत्य के रूप में वर्णित किया गया है। और तीन, सन्नति और कानागन हल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित गांव है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? आपके विकल्प है ए, केवल दो एवं तीन, बी, केवल तीन, सी, केवल दो, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत बच्चों के पोषक युक्त भोजन की कमी के संबंध में पड़ोसी देशों के बीच प्रथम नंबर पर था। दो, बच्चों की उम्र बढ़ने की तुलना में लंबाई का न बढ़ना चाइल्ड स्टंटिंग कहलाता है। और तीन, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 70% जनसंख्या पौष्टिक भोजन का खर्च वहन करने में अक्षम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल एक, बी, केवल एक एवं तीन, सी, केवल दो एवं तीन, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी, अंग्रेजी YouTube चैनल और दृष्टि PCS YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया। इसमें हजारों किसानों और अन्य हितधारकों की भागीदारी देखी गई, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को सफलतापूर्वक अपनाया है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती पशुधन पर आधारित एक पारंपरिक स्वदेशी कृषि पद्धति है। इसमें किसी भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के बाद 60 से ज्यादा स्टार्टअप ने इसरो के पास पंजीकरण कराया है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। पंजीकृत हुए कुछ स्टार्टअप अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जबकि अन्य स्टार्टअप नैनो सैटेलाइट्स, लॉन्च वाहन, ग्राउंड सिस्टम अनुसंधान आदि से जुड़े हुए हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 नाम से एक सूची तैयार की है। इसमें ऐसे शब्दों का संकलन है जिनका संसद में प्रयोग असंसदीय माना जाएगा। इस सूची के तहत जुमला जीवी, लॉलीपॉप, गद्दार, घड़ियाली आंसू, जयचंद, शकुनी, भ्रष्ट जैसे कई शब्दों और मुहावरों पर रोक लगा दी गई है। सूची में शामिल इन शब्दों को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि सदन की कार्यवाही से शब्दों को हटाने का अंतिम अधिकार स्पीकर और सभापति को ही होगा। बीते दिनों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उस समय हुई जब आबे जापान के नारा शहर में अपर हाउस के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें कि शिंजो आबे जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। शिंजो आबे को जापान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत का 3 बार दौरा किया था। शिंजो आबे को साल 2021 में भारत सरकार ने अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। बीते दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कदम उन्हें पार्टी नेताओं के अविश्वास के कारण उठाना पड़ा। जॉनसन के इस्तीफे के बाद से भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग के पहले राउंड में उन्हें सबसे अधिक वोट मिले हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक के माता पिता भारतीय मूल के हैं। हाल ही में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का दिल्ली में आयोजन किया गया।
इसे इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मकसद पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। ये अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया जाएगा। इसके तहत देशवासियों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गौरतलब है कि ये पहल आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा होगी। आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने की खुशी में जश्न मनाने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। राष्ट्रीय उत्पाद निगम लिमिटेड ने तंबाकू उपयोग के खतरों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू सेवन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना था, साथ ही ये तंबाकू मुक्त समाज को बढ़ावा देने से भी जुड़ा था। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम WHO के नो टोबैको अभियान के अनुरूप आजादी के अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में मनाया गया। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।